हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर कैसे आप सब होप यू ऑल आर डूइंग गुड मैं फिर से आ गई आप लोगों के लिए न्यू रीडिंग लेकर एंड आज की रीडिंग है कि आपकी कौन सी ऐसी इच्छा है जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है आपकी कौन सी ऐसी विश है जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है ये टाइमलेस रीडिंग है जब भी देखेंगे रेजोनेट करेगी प्लस ये जनरल है सभी साइंस के लिए है तो जितनी रेजोनेट करे उतनी रखें हो सकता है कुछ लोगों से पूरी रेजोनेट करे कुछ लोगों से कुछ करे कुछ लोगों से कुछ ना करे या फिर कुछ लोगों से बिल्कुल भी ना करे तो जितनी रेजोनेट करे जैसी रेजोनेट करे ओपन माइंड के साथ देखना स्टक मत होना निराश मत होना अक्सर मैं ऐसी वीडियोस लाती रहती हूँ और डेफिनेटली अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी हम इसमें चेक करेंगे कि नियर फ्यूचर में ऐसी कौन सी इच्छा है आपकी जो पूरी होने वाली है एंड आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस है तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं कि नियर फ्यूचर में मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है ओम साई राम फर्स्ट कार्ड आया है ट्रिकरी नेक्स्ट कार्ड है फेथ द नेक्स्ट वन इज one वाओ wow. recovery, ओके तो फ्रेंड्स मैं आपके बारे में पहले कुछ बताना चाहूंगी फर्स्ट थिंग इज दिस की आपका ईश्वर में बहुत ज्यादा विश्वास है आप लोग काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो धार्मिक हो यूनिवर्स में डिवाइन में ईश्वर में भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हो सेकेंड थिंग इज दिस कि आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आपका कोई गोल है आपका कोई लक्ष्य है जिसको पूरा करने के लिए आप बड़ी से बड़ी समस्या से लड़ने के लिए रेडी हो आप गिव अप नहीं करना चाहते हो और आप वो हर एक रास्ता अपना रहे हो जिससे आपको आपकी मंजिल मिल पाए रिकवरी डेफिनेटली आपको बिलीव है कि आपकी सिचुएशन की रिकवरी होगी आपको सारी जो बंद दरवाजे हैं उनकी तालों की चाबियां मिलेंगी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ोगे ग्रोथ करोगे एंड काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ अबंडेंट होगी फ्लोरिश होगी पीसफुल होगी आप ईश्वर से कोई मिराकल की उम्मीद रख रहे हो कोई चमत्कार हो जाए ठीक है कोई मिराकल हो जाए एकदम से आपकी कोई विश कम ट्रू हो जाए तो डेफिनेटली आप लोगों को विश्वास है कि ईश्वर कोई ना कोई चमत्कार जरूर करेंगे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे आप लाइफ में आगे बढ़ोगे और ग्रोथ की तरफ जाओगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ हैं जिस भी ग्रुप के लिए ये मैं चेक कर रही हूँ अगर आप ऐसी एनर्जी में हो डेफिनेटली आपके कोई ना कोई इश सॉरी uh, कोई ना कोई विश बहुत जल्दी पूरी होने वाली है जस्ट लाइक मेडैकल डेस्टिनी वाओ wow. आपकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो डेफिनेटली आपको मिलेगा ऐसा आपको विश्वास है ठीक है और उसको पाने के लिए आप हर एक समस्या से लड़ने के लिए तैयार हो हर एक प्रॉब्लम से डट प्रॉब्लम का डटकर सामना करने के लिए तैयार हो और आप गिव अप नहीं करने वाले आप बहुत बहादुर हो बहुत बहुत करेजियस पर्सन हो नेक्स्ट कार्ड है गॉसिप का एक और कार्ड लेते हैं हम एंड देन मैं दूसरा डेक यूज करूंगी क्रिएशन डेफिनेटली आपको जो भी राहें बंद हैं जो भी दरवाजे बंद हैं जो भी सॉल्यूशंस नहीं मिल पा रहे हैं बहुत जल्दी आपको वो कीज मिलने वाली हैं आप उन राहों पे चलकर बहुत कुछ नया क्रिएट करने वाले हो मैनिफेस्ट करने वाले हो ईश्वर पे काफी ज्यादा आपको भरोसा है कि आप एफर्ट्स लगा रहे हो ईश्वर आपको उनका रिवार्ड डेफिनेटली देंगे और जो चीजें आपकी योग्यता से बाहर हैं दैट मीन्स वो सिचुएशन जिसमें एफर्ट्स लगाने से कुछ होगा ही नहीं आपको भरोसा है कि ईश्वर उन सिचुएशन में कुछ चमत्कार करेंगे वो सिचुएशन रिकवर होगी एंड आप लाइफ में आगे बढ़ोगे आप काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के हो लोगों से मिलजुल कर रहना पसंद करते हो लेकिन अक्सर लोग आपको हर्ट कर जाते हैं आपको पेन में छोड़ जाते हैं आपको अकेला कर जाते हैं ये तो कुछ बातें हैं कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनर्जीज को बताती हैं कि आपका ईश्वर में भरोसा है आप मेराकल्स में बिलीव करते हो आपको लगता है कि जब भी आप मेजर प्रॉब्लम में होते हो ईश्वर आपकी सहायता करते हैं और डेफिनेटली होता भी यही है जब भी आपको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है तभी कोई चमत्कार होता है ईश्वर आपकी हेल्प करते हैं और उन चीज़ों से आपको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं और बाहर निकाल देते हैं जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिलता है लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट करना चाहते हो बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो लोगों से आप मिलजुल कर रहना पसंद करते हो लेकिन लोग आपको चीट कर जाते हैं आपको हर्ट कर जाते हैं ऐसा आपके साथ अक्सर अच्छा होता होगा आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते किसी का बुरा नहीं करते सबकी भलाई की विश मांगते हो कि कहते हैं ना सबका भला हो ऐसी विशेष आप मांगते हो कि सबका भला हो आपके पास जो आता है वो हील होकर जाता है वो प्रॉब्लम से फ्री होकर जाता है लेकिन बाद में वो वैल्यू नहीं करता और आपको ऐसा लगता है कि मतलब मैंने इतना किया और सामने वाले ने क्या किया मुझे ही नुकसान पहुंचाया या फिर मेरा फ़ायदा उठाया ऐसी एनर्जीज हैं आपकी तो हम चेक करते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाली है वैसे तो डेफिनेटली डिवाइन आपके साथ हैं आपके लाइफ में चमत्कार भी होते हैं जो चीज़ें आप एज्यूम करते हो वो मैनिफेस्ट भी होती है जब आपका कोई साथ नहीं देता तब आपका डिवाइन साथ देती है और आप प्रॉब्लम से बाहर निकल जाते हैं डेफिनेटली अगर आपके साथ ऐसा होता है तो लाइक शेयर कमेंट ऑन दिस रीडिंग अब हम चेक करने वाले हैं कि आपकी कौन सी इच्छाएं हैं जो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है एंड आपके लिए क्या एडवाइस है आप हार मानने वालों में से नहीं हो अगर कोई गोल है जिस पे एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा तो आप वो भी करने के लिए रेडी रहोगे लेकिन आप हार नहीं मानोगे पीछे नहीं हटोगे अबंडेंस वाओ जब इतना अच्छा फेथ हो इतनी अच्छी वाइब्रेशन्स हो इतनी अच्छी डिवाइन से कनेक्टिविटी हो ठीक है और किसी का बुरा करने का मन में कोई स्वभाव ना हो भावना ना हो इवन दो लोग आपका बुरा कर देते हैं तो भी आप किसी का बुरा नहीं सोचते तो उससे ग्रोथ कैसे दूर रह सकती है तो अगर आपका सपना एक अच्छा करियर है एक अच्छी अबंडेंट लाइफ है अपनी लाइफ में वेल्दी लग्जीरियस लाइफ जीना है तो डेफ़िनेटली बहुत जल्दी आपकी ये विश कम ट्रू होने वाली है आपको आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है नए नए रिसोर्सेज आपके लिए ओपन होने वाले हैं आपको अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है कोई हायर लेवल की गवर्नमेंट जॉब कोई अच्छी अथॉरिटी कोई अच्छा बिजनेस जिसमें आप बहुत तरक्की करोगे विद इन फोर मंथ्स ये इच्छाएं आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है आपको राह मिल जाएगी कि कैसे आप ग्रोथ की तरफ जाओगे तो आपकी अबंडेंट होने की इच्छा डेफिनेटली पूरी होगी नेक्स्ट है स्लोइंग डाउन बहुत टाइम से आप अपनी इच्छाओं पे वर्क कर रहे हो आप हार नहीं मान रहे हो कंटिन्यूसली आगे बढ़ रहे हो तो चीजें स्लो जरूर हैं लेकिन डेफिनेटली वर्क कर रही हैं टॉरस वर्क और कैप्टिकॉन की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा है कुछ काम जो ऑलरेडी रुके हुए हैं बहुत स्लो स्लो आगे बढ़ रहे हैं काफ़ी पोस्टपोन और डिले हो रहे हैं वो काम आपके बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है डेफ़िनेटली आपको लाइफ में जजमेंट मिल रहा है न्याय मिल रहा है एंड ये वो जजमेंट और न्याय है जो आपको डिवाइन देगी जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको भी डिवाइन देख लेगी एंड आप में से काफ़ी लोग कहते भी होंगे कि इसने मेरा साथ बुरा किया है ना मुझे इसके इसका बुरा नहीं करना भगवान है ना वो सब देख रहे हैं आप में से बहुत लोग ऐसा बोलते होंगे और डेफिनेटली उन लोगों के साथ बुरा होता भी होगा जो आपके साथ बुरा करते होंगे Even आप नहीं चाहते उनका बुरा हो और ना आप बुरा कर रहे हो बट डिवाइन उनको आपके सामने ही पनिश कर देती है ऐसा भी होता होगा ऑर्डिनेरीनेस ये चारों कार्ड्स जो है मैं इनको से रिलेटेड लेकर मानती एंड फ्लावरिंग अगेन से रिलेटेड तो डेफिनेटली आपके कैरियर से रिलेटेड सभी गोल्स पूरे होने वाले हैं स्लो डाउन ही सही आप हार नहीं मान रहे आप गिव अप नहीं कर रहे आप जो मिल रहा है उसको रिसीव कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और ये आपको करनी भी है अगर नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको कोई नया आप प्रपोजल मिल सकता है आप ट्रैवल से रिल करियर से रिलेटेड कहीं ट्रैवल कर सकते हो कहीं दूर जा सकते हो एंड आपके लाइफ में आ रही है बहुत ज़्यादा अबंडेंस स्टेबिलिटी सक्सेस एंड लग्जरी बहुत जल्दी आपकी ये विश कम ट्रू होने वाली है और चेक करते हैं आपकी कौन सी विश कम ट्रू होने वाली है प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स की कौन सी विश कम ट्रू होने वाली है ओम साई राम क्वीन ऑफ सोर्ट जमन आई लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स ओके सेवन ऑफ सोर्ट्स कैंसर पाइस स्कॉर्पियो एनर्जी जेमनाइ लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी भी यहां पर है वन मोर कार्ड द हैंड मैन बॉटम में है नाइन ऑफ कप्स आपकी कोई ऐसी इच्छा कोई ऐसी विश जो की पूरी होनी तो है लेकिन बहुत टाइम से अटकी हुई है आगे मूव नहीं हो पा रही आगे नहीं बढ़ पा रही ठीक है मुझे आपका ये भी लगता है कि आप लोग ना अपने मन का हाल ना बड़ा ट्रांसपेरेंट होकर किसी से भी बयां कर देते हो किसी से आप कुछ नहीं छुपाते अननेसेसरली एंड लोग आपके इस बिहेवियर का भी फायदा उठाते होंगे एंड बाद में आपको अलग ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती होंगी तो आपकी कोई इच्छा कोई विश जो बहुत टाइम से रुकी हुई है जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं और अभी भी लगातार लगा रहे हो सेवन ऑफ सोट्स एक ऐसा पर्सन है जो एफर्ट्स लगाता ही जा रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो राइट right लगा रहा है या रोंग लगा रहा है बस उसको इतना पता है कि उसको काम करना है ठीक है तो वो काम करता ही जा रहा है तो डेफिनेटली आप एफर्ट्स लगाते जा रहे हो वो इच्छा आपकी बहुत जल्द पूरी होने वाली है और ये इच्छा पूरे होने का टाइम कुछ लोगों की लाइफ में वन मंथ का है कुछ लोगों की लाइफ में थ्री मंथ्स का भी है अगर आपका कोई लव और रिलेशनशिप मैटर है तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपको विदिन वन मंथ नाइन मंथ्स फोर मंथ्स थ्री मंथ्स या फिर सेवन वीक्स और सेवन डेज आपको सक्सेस मिल सकती है आपके पर्सन आपसे बात कर सकते हैं अगर कोई पोजिशन अप है आगे नहीं बढ़ रही है तो वो आगे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ कप्स की ज़्यादा एनर्जी है तो मैं इसको लव और रिलेशनशिप से कनेक्ट कर पा रही हूँ आपकी कोई विश लव और रिलेशनशिप के मैटर में जो बहुत टाइम से अटकी हुई है मुझे लग रहा है वो इच्छा आपकी पूरी होने वाली है बहुत जल्दी मैक्सिमम इस ईयर के नवंबर तक दिस नवंबर तक दिसंबर तक ये इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी ये रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा और डेफिनेटली आप ग्रो कर पाओगे फ्लोरिश कर पाओगे लाइफ में आगे बढ़ पाओगे अगर किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा है तो हो सकता है बहुत जल्दी चीज़ें फाइनलाइज हों एंड आपको आपके फेवर में रिजल्ट मिले अगर आपको किसी पर्सन का इंतज़ार है तो डेफिनेटली सेवन वीक्स या फिर सेवन डेज़ के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं रिकनसाइल कर सकते हैं और अगर आपको वेडिंग का मैरिज का वेट है तो विद इन नाइन मंथ्स आपकी वेडिंग हो सकती है और अगर आपको लगता है कि एक सिचुएशन है जो बहुत टाइम से स्टक है तो विद इन थ्री टू फोर मंथ्स वो सिचुएशन आगे बढ़ेगी और आप नेक्स्ट एक्शन रिलेशनशिप में ला पाओगे अब मेरे इतने सारे व्यूअर्स लव तो और रिलेशनशिप की कार्ड से निकालूंगी कि मेरे व्यूअर्स की प्यारे प्यारे कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है प्लीज यूनिवर्स बताएं ओम साई राम द डिस्टॉर्टेड डिस्टोटेड क्रिएटिविटी ओके स्पिरिचुअल मेच्योरिटी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड कनेक्शन आप में से काफ़ी लोग सोलमेट कनेक्शन में हायर सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है डिस्टोर्टेड फूमन एन बताता है कार्ड कि आप बहुत अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं अपने सोल पर्पजस को पूरा करने की कोशिश करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं स्परिचुअली आप लोग मेच्योर हो रहे हैं इस कनेक्शन में आप लोग जो है रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं बाय हार्ट इस कनेक्शन में अवेलेबल हो रहे हैं हार्ट टू हार्ट आप लोगों की कॉन्वर्सेशन हो रही है ठीक है तो करेंटली काफ़ी लोगों की लाइफ में ये चल रहा है कि स्पिरिचुअली काफ़ी चीज़ें वो सीख पा रहे हैं काफ़ी कुछ नया क्रिएट कर पा रहे हैं इस कनेक्शन की रियलिटी को समझ पा रहे हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन कर पा रहे हैं उस पर फोकस कर पा रहे हैं और डिस्टॉर्टेड फेमिनिन की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं ऐसी फेमिनिन की एनर्जी जो बहुत हेल्पलेस uh, होती है जो हमेशा सोचती है कि कोई आएगा और उसकी हेल्प करेगा लेकिन अब आप ऐसी एनर्जी में हो जब आप अपनी हेल्प खुद कर पा रहे हो इस कनेक्शन को खुद से समझ पा रहे हो स्पिरिचुअली मेच्योर हो पा हो पा रहे हो अपनी लाइफ में नया कुछ क्रिएट कर पा रहे हो स्पेशली सेल्फ लव एंड सेल्फ रिस्पेक्ट लव डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी आपका लव आने वाला है एंड बॉटम में देखा जाए तो फॉगेवनेस आप लोग बहुत ही फॉगिविंग हो किसी को भी बहुत आसानी से माफ कर देते हो तो डेफिनेटली आप आ, नीचे मस्कुलिन दि, का कार्ड है तो डेफिनेटली आप इस मस्कुलिन की मस्कुल्स अपने पार्टनर्स की सारी मिस्टेक्स माफ करके उन्हें फॉगिव करके उनके साथ इस लव वाले कनेक्शन में आगे बढ़ोगे डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो भी लोग सोलमेट जर्नी में हैं ट्रिन फ्लेम जर्नी में हैं आपका बेटर हाफ आपसे रिकनसाइल कर रहे हैं आप उनको माफ़ भी कर दोगे एंड उनके साथ ये लव वाला कनेक्शन बिल्डअप करके लाइफ को आगे बढ़ाओगे डिवाइन फेमिनाइन डिस्टोटेड फेमनाइन से बहुत जल्दी डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आओगे और आपकी लाइफ में आएगा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म होगी ये एंड इनर पीस आएगा आपका स्पिरिचुअल मेच्योरिटी के साथ साथ अबंडेंस डेफिनेटली आपके रिश्ते में भी अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में कमिटमेंट आ रही है आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर हायर सोलमेट कनेक्शन की कमिटमेंट आ रही है जिसके साथ आप कुछ नया क्रिएट करोगे अपने सोल पर्पस को पूरा करोगे और डिस्टोर्टेड फेमिनिन से बहुत जल्दी आप द डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आओगे जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट होगे और द गार्डन डेफिनेटली आपको ये सुकून मिलने वाला है आपकी लव लाइफ में रिलेशनशिप में जहाँ चारों तरफ शांति है सुकून है रिलैक्स है और कोई टेंशन नहीं है तो ये थी आप लोगों की रीडिंग आई होप आप लोगों से रेजोनेट कर रही है आप लोगों को कुछ क्लैरिटी मिल रही है अगर मिल रही है तो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट्स ऑन दिस रीडिंग अब मैं ये चेक करूंगी कि ये सब आ तो रहा है आपको क्या करना चाहिए इन सब चीजों के लिए फॉर मोर क्लैरिटी आप लोग पर्सनल पर्सनल रीडिंग्स भी बुक करा सकते हैं उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए बस जो आप कर रहे हैं आपकी राहें एकदम सही हैं आप कंप्लीशन में बिलीव रखिए इंटीग्रेशन में बिलीव रखिए दैट मीन्स जिन चीजों के लिए आप एफर्ट्स लगा रहे हैं डेफिनेटली वो एफर्ट्स अपना रिवॉर्ड दिखाएंगे डेफिनेटली आप री यूनियन मैरिज जो भी आप चाहते हैं जिस लेवल का इंटीग्रेशन आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा और डेफिनेटली आपकी मैनिफेस्टेशन कबूल हो रही है आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखने की जरूरत है और जैसे आप लोग बढ़ रहे हैं बिकॉज बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं थैंक यू सो मच डिवाइन ऐसे ही अगर आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपकी सारी विशेष कम ट्रू हो जाएंगी ओके बाय फॉर फ्रेंड्स हैव अ गुड डे